मिनट्स तक ए सिक्लिक ग्राफ। ए सिक्लिक का मतलब है कि वो साइकिल नहीं होगा, ठीक है। ए सिक्लिक का मतलब है कि वो उसमें साइकिल नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अजान, अच्छा मेरी बात सुनो। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ है ना, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एक्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है आपको जितने मर्जी कोर्सेस ले आपको आपको पढ़ने की इजाजत है। और मैं आपको कहूँ कि हाँ जी आपको मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर में ग्रेजुएट करना, आपको जितने मर्जी कोर्सेज देने आपको मसला नहीं है, हम आपको इजाजत, ठीक है। तो आप एक सेमेस्टर में ग्रेजुएट हो सकते हैं, जो मर्जी हो जाए, वजह बताए प्री रिक्वायरमेंट, क्योंकि आईटीसी पीएफ दोनों इकट्ठे नहीं पढ़ते, क्योंकि आईटीसी पढ़ेगा तो पीएफ पढ़ेगा, पीएफ पढ़ोगे तो आप होना मेरी चाहिए, पहले ऊप होनी चाहिए, ऊप डियर एक्चुअली आपकी पीएफ में ऊप होनी चाहिए, खैर जो भी होना ये चाहिए कि आपकी आईटीसी होनी चाहिए, ठीक है। आईटीसी के बाद ऊप होनी चाहिए और उसके बाद आपका डीएस है, आईटीसी एक्चुअली आईटीसी का कोर्स जो पीएफ इज द कोर्स, और पीएफ से फिर पीएफ से फिर ऊप है और ऊप से आईटीसी की प्रिपरेशन की, ठीक है। अच्छा जी और फिर डेटा सेट की जो है वो फिर प्रीरेक बन जाता है किसका, एल्गोरिथम का। सो एक्चुअली आप चार सेमेस्टर से पहले तो पास हो ही सकते हैं, जो मर्जी, ठीक है। ये आपका प्रीरेक्विजिट ग्राफ, सही है, ये बात समझ गए। एक्चुअली अब ये आपको एक पूरी डिपेंडेंसी दी हुई है, आपने फिगर आउट करना है कि कौन ये कोई भी काम करना है। अब फॉर एग्जाम्पल जी आपको जी इमरान खान जी हायर बार कहता है जी हमने जी मेट्रो ट्रेन बनानी है, ठीक है। अच्छा जी मेट्रो ट्रेन बनानी है, मेट्रो ट्रेन बनाने में कुछ काम जो काम करते हैं उस काम में कोई एक आपको लॉजिकल तरीका होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले आप जी रोड बना दें, फिर आप रोड उखाड़ दें, फिर आप जो पिलर के ऊपर जो रखते हैं क्या कहते हैं, जो आपने जो ब्रिज रखना है पहले वो ब्रिज आके रखें, फिर उसके ऊपर आप पिलर बना दें, ठीक है। फिर आपको पता लगे ओ ये तो उसके ऊपर चढ़ना था, तो फिर आप जी दोबारा से उनको खेड़े, फिर आप दोबारा से बनाएं, फिर आप जी मेट्रो ट्रेन है जो भी आपने बस है वहाँ पे चलानी है वो आप चला के आए, और आपको पता लगे ओ ये तो इस मोड़ से गुजर ही नहीं सकती, तो आपको रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्सपेंशन के लिए नया काम करेंगे, है ना। अगर आप ऐसे करेंगे काम तो फिर आप एल्गो ना पड़े, आप सीधा सीधा पीटीआई ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई सेंसिबल बंदा है तो वो इसका डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएगा, ओके। अगर भाई सेंसिबल आदमी यही करता है, अब सवाल ये है कि आपके पास एक ग्राफ है और उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी, ठीक है। और सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब पहला सवाल यह है कि अगर आपको कहा जाए, आपको ग्राफ दिया जाए, तो आपको कहा जाए कि भाई बताओ सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है, आप जी कैसे डिस्कवर करेंगे, सिर्फ ये बताना कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जी भाई। क्या अगर मैं आपको सवाल ये कहता हूं कि आपके पास एक ग्राफ है, डिपेंडेंसी ग्राफ है, मैंने आपसे ये बताना है कि क्या इसमें सॉल्यूशन बनाना एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ये एक प्रॉब्लम जी, पहले आप सॉक्स पहनेंगे फिर आप शूज पहनेंगे,
फिर आप हमें अंडर शॉर्ट पहनेंगे, आप पैंट्स पहनेंगे, ये नहीं है कि जनाब आप इस्लाम की तरह है कि पहले आप जैकेट पहनते हैं, फिर आप टाई पहनते हैं, फिर आप शर्ट पहनते हैं, फिर आप बेल्ट पहनते हैं, आगे वाली बोलता ठीक है. The question is, you want to come up with a solution. और अगर मेरी बात सुनिए, पहला मेरा सवाल यह है कि अगर आपको एक डिपेंडेंसी ग्राफ दिया हुआ है, और सवाल यह क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? एक भी बात सुनिए, अगर एक चीज हो ना तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वो एक चीज क्या है? अगर उसमें साइकिल है तो इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं. क्यों? क्योंकि साइक्लिक डिपेंडेंसी का मतलब है कि ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, ये है डिपेंड करता है इसके ऊपर. तो आप ये इस पूरे साइकिल में से कोई भी काम नहीं सकता. ये सबको समझ में आई बात? अगर आपको ग्राफ मिले आपको बताना हो कि ये इसमें ये डिपेंडेंसी ग्राफ है, और आपने फिर ये बताना है कि क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं. हाँ जी, क्या करें? साइकिल कैसे टूट गई? अगर एक नोड पे दोबारा पहुंच जाए तो बिल्कुल गलत था. मैंने डिस्कवरी शुरू की, यहाँ से वो यहाँ जाएगा, यहाँ से वो यहाँ जाएगा, और फिर आगे चला गया. अब वो जब यहाँ पर दोबारा आता है, यहां से वो तो दोबारा जाता है, तो ये जहां से दोबारा वापस जाता है, तो ये तो बस गया. तो आप क्या चाह रहे हैं कि डिपेंडेंसी इसमें सोल्यूशन तो नहीं करता, नहीं करता. सोल्यूशन कैसे डिस्कस करता है? आप पहले ये करें, फिर आप 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 ये करें, और यहां यू आर डन. ओके, ये बात समझ में आई? सो द थिंग इज, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? साइकिल एक्चुअली तब होता है जब एक्सेलेंट, जब एक बैक एज. So by if a graph has a back edge, it means the solution is not possible. Okay? Everybody understand? We will going to solve this problem in the coming class. Please come very very prepared. आपका जो quiz है, आप please आज 5 minutes में.